चिन्मय कृष्णदास, ये उन संत का नाम है जिनकी वजह से बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन पर राजद्रोह का केस लगाया गया है और इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। इसके विरोध में जब हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार को भी बीच में आना पड़ा। लेकिन ये संत कौन है जिनकी वजह से बांग्लादेश में इतना बवाल मचा हुआ है? इन्होंने किया क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? भारत सरकार का इस पर क्या कहना है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। चिन्मय कृष्णदास का पूरा नाम चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी है। वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं और एस्कॉन के नेता भी हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है, जिसकी वजह से हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 2024 के अगस्त महीने से। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना की सरकार गिर गई, तब शेख हसीना तो भारत आ गई थी, लेकिन उनके विरोध में बांग्लादेश में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में विरोधियों ने उन सभी लोगों को निशाना बनाया जो कभी ना कभी या किसी तरह से भी शेख हसीना से जुड़े हुए थे, और इन दंगों में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इसी बीच हिंदुओं के लिए मसीहा बनकर सामने आए चिन्मय कृष्णदास। चिन्मय कृष्णदास ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और अलग अलग मंचों, रैलियों के भाषणों में हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग की। इसी कड़ी में चिन्मय कृष्णदास ने 25 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के चटगांव में एक रैली की। इस रैली में उन्होंने भाषण दिया, लेकिन रैली से कुछ दूर न्यू मार्केट इलाके में कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा झंडा फहरा दिया। इस झंडे पर लिखा था, मैं सनातनी हूँ। बस फिर क्या था, बांग्लादेश में बवाल मच गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया। चिन्मय दास पर यह कहते हुए राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई के लिए हिंदू प्रदर्शन करने लगे और सड़कों पर उतर आए। इस बीच दूसरे समुदाय के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला बोल दिया। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत ने भी चिंता जताई। भारत ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों की बजाय शांतिपूर्वक सभाओं के जरिए वैध मांगों रखने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता जताते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।